दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे सीवीसी कॉइन सिविक कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली कॉइन 0.22 यूएसडीटी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा मूवमेंट इस कॉइन में कल से अभी तक देखने को मिला है। कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसके प्राइस में 80% से ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला है। 0.17 वाले एरिया से इसने 0.29 वाला एरिया टच किया और करंटली 22 सेंट से ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मूवमेंट इस कॉइन के अंदर करेंटली हमें देखने को मिला है। अच्छा ब्रेकआउट है और लगातार रेगुलर बेसिस पर इसमें रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है, डिप के अंदर अगर आपने इस कॉइन को बाय किया होगा, तो करेंटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। जिन लोगों ने 25-26 से ऊपर सेल आउट किया, अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। जिन लोगों ने होल्ड किया है, सेल आउट नहीं किया है, उनके लिए हम बात करें कौन से आपके लिए टारगेट्स रहेंगे एज अ ट्रेडर। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर। करेंटली ये कॉइन 22 सेंट से ऊपर ट्रेड कर रही है। 15 मिनट का चार्ट ओपन है और यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल्स में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था और सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट इसने 50% से ज़्यादा का क्विक पंप लिया था। डेली के अंदर अगर बात करें तो प्रीवियस डाउन ट्रेंड के अंदर इसने 11.3 वाला एरिया टच किया था और वहाँ से लगातार इसकी प्राइस में हमें रेगुलर बेसिस पर मूवमेंट देखने को मिला। हायर लोस बनाते हुए इसकी प्राइस में हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट अगर 11.30 से 15 वाला एरिया टच किया, फिर बार बार ये 13 वाले एरिया को हिट कर रहा था, 13 वाले एरिया को हिट कर रहा था और ऊपर की तरफ इसकी इसको 15 के अराउंड में से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। 15 वाला एरिया इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था, जो कि 50 डेली मूविंग एवरेज वाला एरिया है और उस एरिया से इसको बार बार कम से कम इसने वहाँ से 20 से 25 दिन सस्टेन किया, उस एरिया को ट्राई किया, उस एरिया से रिजेक्शन देखने को मिला और अब करेंटली वो वाला एरिया इसको सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा था, जिससे ऊपर इसने अभी 5-8-10 दिन पहले डेली क्लोजिंग की थी और उस एरिया को मेंटेन किया था, ब्रेकआउट देखने को मिला। और करेंटली सपोर्ट एरिया की बात करें तो 0.184 इसको सपोर्ट एरिया और 224 वाला एरिया रेजिस्टेंस जोन है, ऑलमोस्ट 200 डेली मूविंग एवरेज वाला एरिया, तो वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसने अच्छा ब्रेकआउट लिया था, उस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया था, लेकिन रिजेक्शन देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। ओवरऑल अपने बॉटम से अगर बात करें तो इस कॉइन ने 100% की अभी तक रिकवरी कर चुका है और अगर अपने अभी आज के जो जिस एरिया पर इसकी प्राइस गई थी वहाँ तक की अगर बात करें तो 160-170% तक की रिकवरी इस कॉइन के अंदर हमें देखने को मिली है। ओवरऑल इस अभी करेंटली जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, जिन लोगों ने सेल आउट नहीं किया है, उनके लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट में इसने कैंडल जो है यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी वो अब नीचे की तरफ क्लोज हुई, फिर 23 तक ट्राई किया था इसने। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, हो सकता है 25-26 को नॉर्मली ट्राई कर ले आज की डेट में और नहीं करता, अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर 18-19 सेंट के अराउंड में इसमें स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। डेली क्लोजिंग उससे ऊपर होती है तो 18 वाला एरिया सपोर्ट एरिया इसको मिल जाएगा और उस एरिया पर ये फिर 2-4 दिन स्टेबिलिटी बना सकता है, फिर वही मूवमेंट रहेगा हायर लोज बनाते हुए, प्राइस मूवमेंट ऊपर रहेगा अगर मार्केट की सिचुएशन बिगड़ती नहीं है। तो आपको क्या करना है, 0.225-224 इसको ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ 224-225 के अराउंड में आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है। जिस भी एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं करेंट प्राइस पर भी सेल आउट कर सकते हैं, हालांकि 225 को तो नॉर्मली ट्राई कर लेगा, तो वहाँ पर आप 60-70% पार्ट सेल आउट करें। उसके बाद अगर ये 25 सेंट को आज ट्राई करता है, आज या कल, सेल लिमिट तो आप लगा के रखें, 25 को ट्राई करता है आपका सेल आउट हो जाएगा, 30-40% पार्ट बचा के रखें, उसके लिए हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उससे आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 50% का अराउंड में हो जाएगा। पूरे टोकन के लिए, पूरे अमाउंट के लिए हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर एंट्री ली, उनके लिए टारगेट बता रहा हूँ, तो यहाँ से 22-23 को तो नॉर्मली ट्राई कर लेगा, 25 को भी ट्राई कर सकता शाम तक 6:30 की क्लोजिंग तक 4 आवर की, तो वहाँ पर आपको सेल आउट करना है। और जो लोग हमारे चैनल को पिछले 4-5 महीने 6 महीने कितने भी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से अगर वो बाय कर रहे हैं और प्रॉपर जो हम एनालिसिस बता रहे हैं उसको फॉलो करें, तो अच्छा प्रॉफिट वो लोग अर्न कर रहे हैं। आप भी जाकर, अगर आप नए हैं तो जो प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह एंट्री पॉइंट्स से वो देख सकते हैं कि किस टाइप से रेगुलर बेसिस पर हमने अच्छे कॉइन्स के अंदर, फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर एंट्री शेयर की और उनमें
अच्छी रिकवरी हुई और अभी तक 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा अगर आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड किया एज ए ट्रेडर। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने अर्न किया। अब शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है आप लोगों ने अगर 16-17 के अराउंड भी बाय किया शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ से 22.4 के बाद इसको 27 सेंट वाला एरिया रेजिस्टेंस जोन, उसके बाद 32 सेंट, तो 30 सेंट अपना टारगेट रखें, 30 सेंट पर सेल लिमिट लगा के रखें शॉर्ट टर्म वाले 30 से लेकर 32 के अराउंड में, वहाँ तक आपको 90% तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस कॉइन के अंदर होल्डिंग करते हैं, तो अगर यहाँ से 8-10 मंथ की बात करें वो मार्केट में रेगुलर बेसिस पर इस टाइप की रिकवरी अगर हमें देखने को मिलती है, कुछ सिचुएशन नहीं बिगड़ती है, कुछ ऐसी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, मार्केट में फॉल देखने को नहीं मिलता है, जिस टाइप से अभी करेंटली रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, BTC 24 पर स्टेबल है और हो सकता है कि ये वाला जो वीक है इसमें हम 27-28 तक क्लोज करने में कामयाब रहें, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर क्लोज हो ताकि नेक्स्ट जो वीक्स है, नेक्स्ट मंथ है, उनमें अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिले। तो इस टाइप से ऑलमोस्ट इसकी प्राइस आपको 8-10 मंथ में 70 से लेकर 80 सेंट तक देखने को मिल जाएगी, हो सकता है आपने ऑल टाइम हाई को भी ये हिट कर दें। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप 70 सेंट का टारगेट रख सकते हैं, 60-70 सेंट का। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी कॉइन में एंट्री वगैरह या फिर सेल आउट करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक हैं, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।